देखिए पहले तो ये लिख देता हूँ वापस से, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, इसको क्या बोल देते हैं हम, किस तरह से याद करा था, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, इस तरह से हमने इसको याद करा था। ठीक है, तो ये तरीका हो गया इसके कलर कोडिंग के सीक्वेंस को याद रखने का। फिर उसके बाद आप ये देखिएगा, उसके बाद हमने यहाँ पर नंबर लिखे थे, ये नंबर क्या थे, ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, मतलब सीक्वेंस था नॉर्मल 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये था। उसके बाद मल्टीप्लायर जो था, मल्टीप्लायर उसमें भी कोई नई कहानी नहीं थी, ये भी ऐसे ही था, 0 है तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। ठीक है, ये इसका डेसिमल मल्टीप्लायर था। और उसके बाद जो लास्ट में हमने लिखा था, गोल्ड सिल्वर और नो फोर्थ बैंड के लिए, गोल्ड सिल्वर या फिर नो फोर्थ बैंड, एक क्वेश्चन देखा था और कराता हूँ आपको, बाकी और 2-3 कराता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका था 5% टोलरेंस लेवल, इसका था 10% टोलरेंस लेवल और इसका था टोलरेंस लेवल 20%। ठीक है, ये मैंने थोड़ा छोटी करके टेबल बना दी है, थोड़ा बड़ी बनाई थी, बस इतनी ही टेबल से हमारा काम चल जाएगा। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन में लास्ट टाइम किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, अब यहां पर भी हमको एक कार्बन रेसिस्टर दे रखा होगा, और आप जब पेपर जो होता है ना सीबीएसई का, उसमें आप ये देखिएगा कि कलर बने हुए नहीं आते, उसमें क्या होगा, उसमें स्ट्रिप्स बनी हुई आएंगे और स्ट्रिप्स पर कलर लिखा होगा, जैसे मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूँ। तो हमें कार्बन रेसिस्टर दे रखा है, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है कार्बन रेसिस्टर, तो ये दे रखा है और इसमें 4 बैंड बने हुए हैं। देखिएगा, ये है पहला बैंड, ये है दूसरा बैंड, इसका डिजाइन थोड़ा और बना दो अलग, ये तीसरा बैंड है, इसका डिजाइन और अलग बना दो, ये चौथा बैंड है, इसका डिजाइन ऐसा बना दीजिए। ठीक है, तो ये 4 बैंड हैं, चारों के डिजाइन हमने अलग अलग बना दिए, और इसी तरह से इन्होंने चारों के कलर अलग अलग दे रखे हैं। पहले का दिया है बेटा, इसका दिया है येलो येलो, दूसरा वाला जो बैंड है इसका कलर दिया है इन्होंने वायलेट, जो थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड का कलर दिया है इन्होंने ब्राउन, और फोर्थ का कलर दिया है गोल्ड। ठीक है, ये 4 दे रखे हैं, और मैं ये जानता हूं कि जो हमारा पहला बैंड होता है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के लिए होता है, दूसरा बैंड सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, तीसरा बैंड डेसिमल मल्टीप्लायर के लिए, और चौथा बैंड होता है टोलरेंस लेवल के लिए। तो पहला बैंड है येलो,
येलो आप देखिए, येलो का मतलब नंबर क्या है? 4। तो मैं इसका रेजिस्टेंस क्या बोलूंगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर पर मैं लिख दूंगा 4। फिर दूसरा बैंड है वॉयलेट, तो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर पर आएगा वॉयलेट वाला। वॉयलेट का नंबर क्या है? 7। ठीक है, तो ये हो गया 47। फिर जो तीसरा बैंड होता है वो डेसिमल मल्टीप्लायर के लिए होता है, तो ब्राउन, ब्राउन का डेसिमल मल्टीप्लायर देखो, ये मल्टीप्लायर ब्राउन का 10 की पावर 1। तो 47 × 10 की पावर 1, ठीक है, ये हो गया। और इतना ओम, और ये कितना झेल सकता है, टोलरेंस लेवल कितना हो सकता है इसका? गोल्ड है ना चौथा बैंड, तो गोल्ड के लिए होता है 5%, तो ±5%। ठीक है, ज्यादा हो तो ये 10 की पावर 1, ये लिखना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सीधा सीधा लिखो 470 ओम ±5%। बताइए जी, क्लियर है? क्लियर है सभी को? बता दीजिए, एकांश, ईशान, कनिष्का, मिलन, प्रबल, वंशिका, सभी को क्लियर है? यस। ठीक है जी, उसके बाद देखूंगा अगला क्वेश्चन, देखूंगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 ये देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर सर में। हाँ जी बताइए। ऐसे रेजिस्टेंस का एक्चुअल यूज क्या होता है, क्योंकि हमें तो ईज चाहिए ना करंट के फ्लो में। हाँ बिल्कुल सही, हमें करंट के फ्लो में ईज चाहिए, जितना ईज होगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो देखिए ये ना अलग अलग जगह डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों से धीरे 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 हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये फैन की अगर मैक्सिमम स्पीड 5 है तो मैं 5 नंबर पर पंखा चला नहीं सकता, मेरे को थोड़ी ठंड लगनी शुरू होगी। तो मैं चाहूंगा कि मैं उसको थोड़ा, उसकी स्पीड कम कर दूं। तो उसकी स्पीड कम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें उसके करंट में ऑब्स्ट्रक्शन, उसके करंट में रुकावट पैदा करनी होती है। तो अगर मैं पंखे को 4 नंबर पर कर रहा हूँ ना, दैट मीन्स आई एम इंक्रीजिंग द रेसिस्टेंस ऑफ फैन, तो मैं फैन का रेसिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ। तो फैन का रेसिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, फैन तो एक जैसा ही है। तो फैन को जो करंट सप्लाई हो रही है ना, तो वो रेगुलेटर से होती हुई जा रही है। रेगुलेटर पे मैंने क्या करा, रेगुलेटर को मैंने नॉब कम करके 4 नंबर पर ले आया, तो उसकी स्पीड कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि वो जो रेगुलेटर है ना, दैट इज अ वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस वो जिस रेसिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। तो हमने 4 नंबर पर करा तो रेसिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट उस तक, फैन तक उतना करंट नहीं पहुंच रहा है, ठीक, तो करंट कम हो गया। फिर हमने क्या करा, हमें कहा कि नहीं, अभी भी हमको ठंड लग रही है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, फैन को थोड़ा और कम करते हैं। तो हमने उसकी स्पीड को 3 पर कर दिया, यानी कि रेजिस्टेंस और बढ़ा दिया। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह मुझे करंट का फुल फ्लो चाहिए होता है, कई जगह मुझे करंट का कम फ्लो की जरूरत होती है, तो वहां पर रेसिस्टेंस का यूज होता है। समझ गए? समझ यस सर। गए? चलिए जी, तो ये एक एग्जाम्पल था। ऐसे वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कभी आराम से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें मेरे को एक कार्बन रेसिस्टर दे रखा है, ये कार्बन रेसिस्टर हमें दे रखा है, और इसमें बैंड बना रखे हैं, देखिएगा। तो जिस तरीके के अलग अलग ना आपको बैंड्स के कलर ना बनाकर, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट छप के आता है पेपर जो सीबीएसई का छपता है, तो वो अलग अलग डिजाइन आपको बनाकर दे देंगे और नाम लिख देंगे उस पर, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ग्रीन, वायलेट और रेड। ये पहला वाला बैंड है ग्रीन कलर का, दूसरा वाला जो बैंड है दिस इज ऑफ वायलेट, और जो तीसरा वाला बैंड है ये है रेड कलर का। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, अच्छा 3 ही बैंड दे रखे हैं, चौथा बैंड नहीं दे रखा, नो फोर्थ बैंड। इसका मतलब टोलरेंस लेवल कितना है, ±20%। ठीक, तो आप ये देखिएगा कि ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब है बेटा 5, 5 नंबर, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर पर क्या आ गया, 5। वॉयलेट का नंबर है 7 नंबर, तो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर पर आ गया 7, 57। फिर रेड है थर्ड बैंड पर, तो थर्ड बैंड का कलर है रेड, रेड, तो
रेड का होता है 10 की पावर 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2 ओम प्लस माइनस, बिकॉज देर इज नो फोर्थ बैंड, तो टोलरेंस लेवल इतना ज्यादा है कि 20% भी रेसिस्टेंस कम या ज्यादा हो जाएगा तो भी सर्किट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस माइनस 20%, ये हो गया 10 की पावर 2, तो 100 होता है, तो सीधा सीधा 5700 लिख दो, 5700 ओम प्लस माइनस 20%। बताइए जी, क्लियर? ईशान, एकांश, ठीक है, क्लियर है? चलिए जी, आगे चलता हूं फिर मैं। मिलन, दृष्टि, आर्यन, ढींगरा, ऐश्वर्या, अभिनव, यस सर, क्लियर है। यस सर, चलिए जी आगे बढ़ूंगा फिर, आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल नोट करिएगा, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये मिटा रहा हूं, ये मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे, ये तो कोई मुश्किल नहीं है ना, समझ गए ना आप? यस सर, यस यस सर, सर। हाँ, तो तो ऐसे इसमें और नंबर मिलाकर, भी याद करना पड़ेगा। हाँ बेटा ये याद रखना पड़ेगा आपको, सिंपल है, बस याद रखना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, और उसमें जो बीबी है उसमें ये समझ लेना कि पहले ब्लैक आएगा फिर ब्राउन आएगा, ठीक है? अच्छा, तो ब्राउन और ब्लैक में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए तो ये भी आपको बता देता हूँ कि दो तरीके की जो जो मेन है वो दो तरीके के शूज पहनते हैं, एक तो ब्लैक कलर का और एक ब्राउन कलर का, तो ज्यादा कॉमन जो जूता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो इसलिए ब्लैक को ऊपर रखा और ब्राउन को नीचे रखा, तो इस वजह से ये बीबी याद रहेगा, तो पहले ब्लैक आएगा फिर ब्राउन आएगा, और वो जो तीसरा वाला बी है वो आएगा ब्लू का, और इसी तरीके से जो जी जी है उसमें पहले ग्रीन आएगा बाद में ग्रे आएगा, यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर ग्रे है, बाकी सारे अल्फाबेट यूनिक है, वो रिपीट नहीं हो रहे, तो दो बार बी बी रिपीट हो रहा है, तो पहले ब्लैक, बिकॉज ब्लैक कलर शू इज मोर कॉमन देन ब्राउन, तो ये आपका ब्लैक को आपने पहली प्रायोरिटी पर रखा, ब्लैक फिर ब्राउन, और उसके बाद आपने ग्रीन, और फिर आपने रखा लास्ट में जो जी जी दो बार आ रहा है, कि जी एक बार यहां पर आ रहा है और एक बार यहां आ रहा है, तो पहले ग्रीन फिर ग्रे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, क्लियर है? ठीक यस सर, है ना, तो मैंने ऐसे दिमाग में बिठा रखा है, आपको कोई और तरीका ठीक लगे तो बिठा देना दिमाग में जैसे सही लगे, ठीक है जी? चलिए आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर वन। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, दैट इज प्रोटॉन्स, दैट इज प्रोटॉन्स, हमेशा याद रखना, प्रोटॉन्स को हाइड्रोजन आयन कहते हैं, हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन्स कहते हैं, ये एक कॉमन एजम्पशन है, ठीक है? प्रोटॉन मतलब एक हाइड्रोजन आयन को ही प्रोटॉन बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज प्रोटॉन्स ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, ड्रिफ्टिंग अक्रॉस सेक्शन ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अक्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज 1 × 10 की पावर 18, सही हाँ जी, सही है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है ना सर। ना ना नहीं, नहीं, अभी मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया आपको, अभी कुछ नहीं, ड्रिफ्ट का मतलब होता है लगातार घूमना, मूव करना, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन नोट करो फिर मैं बताता हूं। व्हाइल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाइल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग
बंदा while the number of electrons drifting in the opposite direction across another cross section is across another cross section is 2.7 into 10 to the power 18 per second 2.7 into 10 to the power 18 per second. Full stop. If the supply voltage is 230 volt, if the supply voltage is, if the supply voltage is 230 volt, comma, what is the effective resistance of the tube? What is the effective resistance? What is the effective resistance of the tube? देखिएगा डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है. डिस्चार्ज ट्यूब आप लोगों को अगर याद हो तो जे जे थॉमसन, जेम्स शेडविक, जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इन्वेंशन करा था, तो डिस्कवरी करी थी सॉरी, तो ये लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और उसमें ना बहुत लो प्रेशर पर एक गैस को फिलअप कर दिया था. ठीक, तो उसमें क्या है कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, डिस्चार्ज ट्यूब एक कांच की ट्यूब होती है विच इज क्लोज एट बोथ द एंड्स, और उसके जो दोनों एंड्स होते हैं उसके दोनों एंड्स पर दो वायर लगाकर उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है. तो अगर एक डिस्चार्ज ट्यूब को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वॉल्व इन दैट. तो उसी डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट पर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस. अब वो डिस्चार्ज ट्यूब ऐसी है जैसे कि ये कार्बन रेसिस्टर दे रखा है ना, तो इस तरीके की यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली नहीं है. एक जगह क्रॉस सेक्शन थोड़ा ज्यादा है, एक जगह क्रॉस सेक्शन थोड़ा कम है, मतलब क्रॉस सेक्शन अलग अलग है. तो इन्होंने बोला कि इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस दैट इज प्रोटॉन्स ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज 1 into 10 की पावर 18. इसका मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन दे रखा है, उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं. पहले मैं ये लिख रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 into 10 की पावर 18, ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हो गया 1 into 10 की पावर 18. ठीक है, अच्छा तो एक इतने तो मेरे पास प्रोटॉन्स हो गए. अच्छा जी, उसके बाद में ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक दूसरा कोई क्रॉस सेक्शन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है 2.7 इंटू 10 की पावर 18, 2.7 इंटू 10 की पावर 18. एक शब्द इंपॉर्टेंट है, पर सेकंड. यहां पर भी देखिए पर सेकंड, ठीक है, मैं यहां पर भी लिख रहा हूं पर सेकंड, यहां पर भी पर सेकंड. खैर अभी के लिए सिर्फ इतना सोचिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं. तो मैं कहूंगा टोटल चार्ज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, देयरफॉर टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द डिस्चार्ज ट्यूब क्या हो जाएगा, एन पी इंटू ई प्लस एन ई इंटू ई. ई क्या होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और प्रोटॉन पर चार्ज, दोनों पर चार्ज सेम होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. ठीक है, अच्छा अब इधर एन पी है और इधर एन ई है, तो हमने क्या कहा, और दोनों में ई आ रहा है तो ई को निकाल लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा एन पी प्लस एन ई.
अब तो देखिएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ई, ई हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मल्टीप्लाइड बाई एन पी प्लस एन ई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 1 इंटू 10 की पावर 18 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2.7 इंटू 10 की पावर 18। सर हाँ जी बोलो। इसमें वो इलेक्ट्रॉन के नंबर से प्रोटॉन माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ऐड कर रहे हैं, तो मतलब वो उतना पार्ट न्यूट्रलाइज हो रहा है, नहीं, तो सुनिए सुनिए, ये चीज जो है ना, वैसे आप ठीक कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे, लेकिन ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, और मैं सोच रहा था ये वाला क्वेश्चन अभी तक आया क्यों नहीं कहीं से भी, अच्छी बात है तुमने पूछा। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज कैरियर माना जाता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वैक्यूम होता है, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दें, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? कि जैसे हम ये बोलते हैं कि कोई एक प्रॉपर कंडक्टर है, तो कंडक्टर में मैं ये बोल देता हूं कि कंडक्टर में सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, और हम ये बोल देते हैं कि इधर पॉजिटिव है और उधर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये हम बोल देते हैं। लेकिन ये जो फंडा है, ये डिस्चार्ज ट्यूब में काम नहीं करेगा। डिस्चार्ज ट्यूब में चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ही चार्ज बराबर बराबर जो है कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ प्रोटॉन नहीं, हम यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्जेस की बात करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, समझ गए मेरी बात? और जो हायर पोटेंशियल पर होगा उसको हम बोल देंगे कि ये प्रोटॉन है, जो लोअर पोटेंशियल पर होगा उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सर ऐसा होता है ना कि प्रोटॉन जो है ग्रुप में ट्रैवल करता है और इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली ट्रैवल करता बिल्कुल है। सही आप कह रहे हो कि प्रोटॉन तो ग्रुप में इस वजह से ट्रेवल करेगा क्योंकि प्रोटॉन को निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, कहाँ से, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस वजह से। अब देखिए ऐसा है कि इस चीज को अगर हम और डिटेल में करें, तो ये चीज बेसिकली आप सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ोगे, और जब हम पूरी फिजिक्स पढ़ देंगे ना, 12th का पूरा फिजिक्स हो जाएगा, तो वो सेकंड लास्ट चैप्टर है, और सेकंड लास्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि शायद जो हमने अभी तक पढ़ा था वो सब कुछ पढ़ा ही गलत था। वहां पर ये बताया जाता है कि जो करंट है वो करंट इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से फ्लो नहीं करता, प्रोटॉन्स को उन्होंने एक नए शब्द से वहां पर बताते हैं, वो बोलते हैं कि वो होल कहलाता है, HOLE, होल। होल ये होता है कि अगर किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर जाता है ना, तो वहां पर एम्प्टी स्पेस बचता है, और वो जो एम्प्टी स्पेस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का फंडा बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का है नहीं, वहां पर होल्स वाला ही फंडा काम करेगा। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जब भी मैं करंट की बात करता हूं, तो करंट ये होता है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर रीजन पर यूनिट टाइम, क्यू अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हमारा जो करंट है वो कहलाता है। तो मैं उसी चीज को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये समझिए, जो तुम कह रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमने ये चीज देखी है, और हमने डाइलेक्ट्रिक वाले पोर्शन में भी ये चीज करी थी सेकंड चैप्टर में, वहां पर ये था कि अगर कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा बचता है वही सिर्फ वही वाला चार्ज फ्लो करता है जो एक्स्ट्रा बचता है, ठीक। लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दोनों ही बराबर बराबर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। इसको डिटेल में अभी भी हो सकता है क्लियर ना हुआ हो, इसको डिटेल में जो है ना, ये डिटेल में आप 13th चैप्टर में करेंगे, मैं करवाऊंगा वहां पर, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब इन्होंने पहले ही इसीलिए बताया है। चलूं आगे, तो यस चलिए, ये 10 की पावर 18 है, इधर भी 10 की पावर 18, बाहर ले लो इसको, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 18, वन इधर वन बचेगा, इधर इधर बचेगा 2.7, ये 1.6 और 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 18 हो गया 10 की पावर -1, और 1 प्लस 2.7 हो गया 3.7। अभी पॉइंट गया नीचे आ गया 10, ठीक है, 16 को 3.7 से मल्टीप्लाई करो, या चलो छोड़ो, मैंने पॉइंट हटाया ही क्यों, हटाओ छोड़ो, 1.6, 16 को 3.7 से करो,
तो 5.85 5.85 आ रहा है टोटल। सर, उसके बाद इंटू 10^-1 है तो फिर 0.585 आएगा। तो 0.585 लिख रहा हूँ सीधा, 0.585। ये हमारा आ गया नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ गया हमारे पास। तो चार्ज जो है वो टोटल इतना है। कैसे? क्योंकि चार्ज कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। सर वो सॉरी निकालना सॉरी सर 592 सर सॉरी फाइव फाइव नाइन नाइन टू टू आएगा। हाँ जी सर, 0.592। हाँ यही है, बुक में यही दे रखा है 0.592। सर वो सॉरी, वो गलती से ना मैंने 5 से कर दिया। कोई बात नहीं, 0.592। ये क्या हो गया? कूलम। अब ध्यान में देने वाली बात है, पर सेकंड। पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में इतना था। तो 1 सेकंड की बात हो रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात हो रही है तो वो भी 1 सेकंड के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो वो भी 1 सेकंड के लिए। तो मैं बोलूंगा देयर फोर, उससे करंट पता लग गया ना कि चार्ज इतने पर सेकंड बस कितना। करंट हो गया क्यू अपॉन टी। तो 0.592 अपॉन 1 सेकंड की बात हो रही है तो 1 सेकंड, तो 0.592 एम्पियर ये करंट आ गया। उसके बाद उन्होंने वोल्टेज दे रखी है 230 वोल्ट, सीधी बात है, रेजिस्टेंस तो मैं निकाल ही लूंगा। देयर फोर बाई ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी कितना है 230 और आई कितना है 0.592। डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं, 388.5 ओम। 388.5 ओम ये हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है जी, सभी को, सभी बच्चे बता दीजिए क्लियर है। यस सर, ठीक यस सर, है चलिए जी, ये यस सर। आपका ओके ओके, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। और याद रखिएगा ये ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये इस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, डिस्चार्ज ट्यूब वाला। डिस्चार्ज ट्यूब वाला क्वेश्चन आए तो जितने भी प्रोटॉन्स दे रखे हो उसको ई में मल्टीप्लाई करना, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हो उसको ई में मल्टीप्लाई करना, दोनों को ऐड कर देना, मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहां पर दोनों में इन्होंने दे रखा था पर सेकेंड। अगर पर सेकेंड नहीं दे रखा होगा तो वो टाइम आपको अलग से जरूर देंगे। फिर अगर मान लो वो 2 सेकेंड या 10 सेकेंड देते हैं तो आपको क्या करना है, उसको टोटल को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है जो भी टाइम दे रखा हो। तो यहां पर तो पर सेकंड दिया था, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड हो गया। चलिए जी आगे देखता हूं मैं। आर्यन ढींगरा मेरी आवाज आ रही है? यस सर, ये कोरोना खत्म हो गया क्या? तो क्या सर? मैं कह रहा हूँ कोरोना खत्म हो गया क्या? नहीं सर, ये स्कूटी पर विदाउट हेलमेट, विदाउट मास्क, वो भी दिन के टाइम में जब खूब खूब भीड़ होती है मार्केट में, उस टाइम भी तुम वो थोड़ा सा ना वो जरूरी काम आ गया था, मैं रुक नहीं सर पाया। जरूरी और कुछ ऐसे घूमते रहते हैं सर। हाँ वही मैंने देखा पेट्रोल नहीं था सर, सही में पेट्रोल भरवाने गए थे। सर, देख रहे हो पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, जाना कहीं नहीं है जबकि। नहीं सर, चलिए सर वो मैं सर कुछ काम से भी जाता हूँ ना सर। अच्छा, काम बड़े जरूरी जरूरी है आजकल। चलिए नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस अ 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस टेन वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस इज कनेक्टेड अक्रॉस
200 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 200 वोल्ट बैटरी एंड अ रेसिस्टेंस ऑफ 38 ओम as shown in figure. Find the value of the current in the circuit. Find the value of the current in the circuit. अब देखिए इसमें ना फिगर दे रखी है, उस फिगर के हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है. तो पॉजिटिव नेगेटिव ये 38 ओम टेन वोल्ट और 200 वोल्ट. ये दे रखा है. अब आप ये देखिएगा कि ये जो दो बैटरीज है ना, बस इसमें वैसे आपको सीधा सीधा वो पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस नहीं देंगे. वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो करंट पूछ रहे हैं. करंट पूछ रहे हैं तो आपको एकदम से ये लगेगा कि यार कैसे करूं इसको. तो आप ना एक चीज देखेंगे कि ये जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है. समझ गए, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है. और इधर इस रेसिस्टेंस को भी क्रॉस करके आप देखो तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है. ठीक, तो क्या होगा, इसको कहते हैं कि अपोजिशन में कनेक्ट होना. कैसे, अगर हमने ये देखा होता, याद है अगर आपको, कि हम दो या तीन सेल जब कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो अगर एक सेल मान लो 2 वोल्ट का है तो ये दूसरा भी 2 वोल्ट का और ये तीसरा भी 2 वोल्ट का, तो तीनों 2-2 वोल्ट के अगर हो गए तो 2+2+2 इज इक्वल टू हम बोल देते हैं 6 वोल्ट, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. लेकिन यहां पर क्या है कि दे आर कनेक्टेड इन ऑपोजिशन. ये नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है. तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, हम ये कहेंगे सिंस बोथ द सेल्स आर कनेक्टेड इन ऑपोजिशन. नोट करिए, since both the cells are connected in opposition, therefore net potential difference, PD लिख देते हैं शॉर्ट में, V कहते हैं उसको, कितना हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर पॉजिटिव, देखो इधर क्या हो रहा है, इधर नेगेटिव पॉजिटिव इधर नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो ये तो सारे के सारे ऐड होते चले जाएंगे. नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो सबका पोटेंशियल ऐड होता चला जाएगा. ये रिपेल करेंगे तो पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट होगा. तो ये हो गया 200 - 10 यानी कि 190 वोल्ट. रेसिस्टेंस 38 ओम है ही, तो करंट क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर बाई ओम्स लॉ. और वी कितना है, 190, और ये कितना है, 38, 19, 2 जा 38, 19, 10 जा 190, 2, 5 जा, तो करंट हो गया 5 एम्पियर. बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं. ठीक है, तो ये कई बार ऐसा होता है, और याद रखिएगा कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में भी टीचर कर देते हैं गड़बड़. जब प्री बोर्ड बनता है तो उसमें भी सेट्स बनाते हैं ना, तो वो क्या करेंगे कि वो इसका टर्मिनल बदल देंगे बस. तो इसमें पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर कर देंगे. तो अगर आप चीटिंग भी करने की कोशिश करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा. ये 200 है और ये 10 है, तो अगर ये ऑपोजिशन में कनेक्टेड है तो 190 हो गया.
लेकिन अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो 200 प्लस 10 तो वो टोटल 210 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, इतना करिए बेटा, नेक्स्ट कराता हूँ, फिर कल करवाता हूँ, कल शाम को अपने टाइम पर। ठीक है, आगे कंटिन्यू कल करते हैं। ओके सर, चलिए जी। ओके 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 सर। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी बोलिए।